एनडीआरएफ कटक की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। बी अनिल कुमार है हमारे बीच मौजूद हैं, बताएंगे अनिल कुमार जी, जो राहुल है उसको आप जानते नहीं थे, लेकिन किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया पूरा? सर मैं नॉर्मल जो हम लोग जैसे हम लोग रेस्क्यू करता था वैसे आया, देखा बच्चा गिर गया, हम रस्सी डाल के हम अपना इम्प्रोवाइज डिवाइस क्या क्या हम यूज करते उस तरह रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, जो उसको बोलेंगे वो समझेगा, उसको समझा के निकालेंगे, वैसे नॉर्मल सोचा था, लेकिन पता चला कि वो मेंटली डिसऑर्डर है, वो नहीं समझ पाता ना बोल पाता। फिर मैंने उसको ऐसे आवाज दिया बेटा कहा ये वो, कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसका घर वाला से मैंने बात किया, उसका क्या वीकनेस है, वो लोग बोलता वो बात नहीं सुनता ना किसी का, मतलब वो बोलता। फिर मैंने अपनी तरीका समझा, उसका बेटा बनाया, उसका प्यार दिलाया, प्यार दिला के मैं उसको एक एक करके एक एक दिन करके दूसरा दिन तक उसको मैं अंडर में मेरा कब्जा में मेरा मन का कब्जा में ला लिया, वो मेरा मन जीत लिया, मेरा मन उसका मन मैंने जीत लिया सर, जीत के मन के साथ में गेम खेला हूँ उस लड़का का मन के साथ गेम खेल। मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ कि जिस दिन से आप आए थे एक ही जगह पर 5 दिनों तक डटे रहे, क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, सब हर मिनट में उसका वो देखता था सर, उसका रेस्पिरेशन वो ले रहा कि नहीं, अगर मुंह अगर उधर कर दे तो मुंह कहीं दबा कि नहीं, अगर मैं इसको सोला देता लेकिन गहरा नींद में जाने नहीं देता, थोड़ी देर सोया, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दिया, फिर मैं उसको जगा देता। सर बोलिए, आपने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, ये काफी क्रिटिकल रेस्क्यू था? बहुत क्रिटिकल सर, बहुत ज्यादा, ये चट्टान देखिए, इसको चट्टान के हमारा टीम पीच पीच करके उनको निकाल दिया। आप एक बात बताइए, जब राहुल बोर में था तो उसके उसे एक सांप भी था, एक मेंढक भी था, तीन जीव था, राहुल था, कैसे आप क्या देखे आप पूरे कैमरे में? मैं तो एक देखा था काला सा चीज, मैं सोचा वही सांप नहीं, कोई काला सा कोई रस्सी वस्सी गिर गया होगा, लेकिन बाद में इंश्योर किया तो छोटा सा सांप था, इतना सा बहुत छोटा सा सांप था, मेंढक तो ऐसे भी रहते ही, लेकिन मैंने उसका साथ जैसे वो ऊपर चढ़ गया, जैसे मैं उसको डेली बात करता था ऊपर आ जाता, जैसे ऊपर में एक टन वो जिसका जैसा केव जैसे बन गया, केव के केव में जैसे चला जाता, वो सांप की आता नहीं था। अब राहुल सकुशल हमारे बीच है, कितनी खुशी हो रही है आपको और आपकी पूरी उड़ीसा की टीम को बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए जिस तरह से ये कटक के बी अनिल कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल है जो भली मेंटल था या फिर उसे दिव्यांगता से जूझ रहा था, लेकिन उसने बल्कि माइंड को उसके कब्जे में लिया और उसे अपना बनाया, एक बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। ये वही अनिल है जो लगातार 5 दिनों तक अनिल को जो राहुल को खाना से लेकर के तमाम चीज पहुंचाता था, और जिस तरह से एक जो आश्चर्यजनक बात भी उन्होंने बताई है कि जिस बोरवेल में जो राहुल फंसा था वहां एक सांप भी था और एक मेंढक भी था। ये दिलचस्प कहानी जरूर हो सकती है, लेकिन उस मासूम राहुल के लिए कितना भयावह मंजर होगा, लेकिन उसने ये जो जंग है, जो लड़ाई है, जीत के ये साबित कर दिया है कि अगर हम कहें राहुल दुनिया का सबसे मजबूत बच्चा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा।